हरदोई प्रेस क्लब ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग उठाई। कलेक्टरेट में विरोध प्रदर्शन कर की नारेबाजी। हरदोई लखीमपुर खीरी में 15 दिसंबर को पत्रकारों द्वारा सवाल पूछे जाने पर स्थानीय सांसद व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी द्वारा बदसलूकी की घटना पर आज हरदोई प्रेस क्लब ने कलेक्टरेट में विरोध प्रदर्शन किया। प्रेस क्लब के अध्यक्ष हरिश्याम वाजपेयी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि लखीमपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री द्वारा संपूर्ण मीडिया जगत को गाली दी गई। इस तरह की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण व निंदनीय है। प्रेस की गरिमा व स्वतंत्रता पर कुठाराघात करने वाले मंत्री की हरदोई प्रेस क्लब ने बर्खास्तगी की मांग की है। इस मौके पर प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष आकाश शुक्ला, महामंत्री रवि किशोर गुप्ता, सचिव वीरेश गुप्ता, कोषाध्यक्ष सौरभ त्रिपाठी, शाहबाद इकाई के अध्यक्ष अतुल मिश्रा, मोहम्मद खालिद, राम श्रीवास्तव, गोपाल द्विवेदी, रामस्वरूप जी, कुलदीप शर्मा, विजय लक्ष्मी सिंह, नईम अली, शरद द्विवेदी, उत्तम अवस्थी, सुनील भारती, अंकित कुमार, दिवाकर मिश्रा, लवि खान, संदीप कुमार, दीपक सिंह, मोहित मिश्रा, अमित अवस्थी, इस्लाम हासमी, सलमान अहमद, अजीत चौहान, पवन सिंह, ललित पांडे, दीपक त्रिपाठी, पुनीत मिश्रा, विराट सिंह, धर्मेंद्र सिंह, अजय कुमार, लकी खान, मुकेश राठौर, रवि प्रकाश शुक्ला आदि भारी तादाद में पत्रकार साथी मौजूद रहे। दरअसल लखीमपुर खीरी में हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार साथी के साथ गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने बदसलूकी करी। उसका समाचार कवरेज करने के टाइम पे मोबाइल छीन लिया, उसका कैमरा भी छीनने की कोशिश की और पूरे पत्रकार समाज को गाली दी गई है। इस तरीके की जो घटना है पूरी तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण है और हरदोई प्रेस क्लब इसकी घोर निंदा करता है और इस तरीके से मंत्री ने जो कृत्य किया है वो अक्षम्य अपराध है। ऐसे में हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री महोदय से मांग करते हैं कि ऐसे मंत्री को तत्काल रूप से बर्खास्त करें और मीडिया कर्मियों के सामने माफ़ी मांगें, तभी इसका कुछ निराकरण निकलेगा। अन्यथा की स्थिति में जितने भी पत्रकार संगठन हैं सभी सड़क पर आ जाएंगे और आंदोलन करेंगे और सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आज आप लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया है, क्या है पूरा मामला? जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया, कल जो ये निंदनीय घटना लखीमपुर में हुई है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार साथी के साथ, इसका हम कड़े शब्दों में जो है विरोध करते हैं और इसकी निंदा करते हैं। इस तरह की दमनकारी नीतियां जो हैं वो नहीं होनी चाहिए और इस तरह के कुठाराघात जो होते आ रहे हैं पत्रकारों के ऊपर, वो जो है उस पर सरकार को, शासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। और हम लोगों का मानना है, हम लोग की ये मांग है कि जिन लोगों को अपने पदों की समझ नहीं है, उनको अपने पदों की गरिमा का पता नहीं है, ऐसे लोगों को अपने पद से खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, या तो सरकार और शासन ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे, उनको पदमुक्त करे। मेरा ये पूछना है लोगों से कि अगर हम लोग किसी के हथियार, पुलिस के अगर हम हथियार छीन लें या उनके साथ कुछ बदसलूकी करें तो हम लोग के ऊपर कड़ी धाराओं में जो है मुकदमे लग जाते हैं, लेकिन हमारा हथियार क्या है? हमारा हथियार है आईडी, ये कैमरा। अगर इसको कोई छीनता है तो उसके ऊपर क्यों कोई कार्रवाई नहीं होती है? क्यों कोई ऐसा कानून नहीं बनाया गया है? कल भी गृह राज्य मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार का कैमरा छीनने का प्रयास किया, उसके साथ गाली गलौज की। क्यों अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, या फिर क्यों हम लोगों को जो है इतना निम्न स्तर का माना जाता है? हमारी मांग है कि ये गृह राज्य मंत्री के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और हम पत्रकारों के लिए जो है कड़े कानून बनाए जाएं।